गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दिल्ली से। आज रात 10 बजे से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, मद्देनज़र कोविड 19 के चलते। ये एक बड़ी खबर आ रही है जो कि केजरीवाल सरकार ने ली है। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को मद्देनज़र रखते हुए रात का कर्फ्यू आज से लग जाएगा, ये खबर आ रही है। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि रात के कर्फ्यू का प्रस्ताव दिया गया था, अब उस पर विचार ले लिया गया है और अब आज रात से ठीक 10 बजे से नाइट कर्फ्यू दिल्ली में भी लगेगा, ये खबर आ गई है। विवरण में कर्फ्यू की समय अवधि भी शामिल कर दी गई है, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की चौथी लहर चल रही है, लेकिन लॉकडाउन लगाने पर भी विचार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब नाइट कर्फ्यू से इसकी शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसके मद्देनज़र अब आज रात से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, ये खबर आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बता दें कि पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने की संभावना को खारिज किया था, लेकिन जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके चलते आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो जो भी लोग देर रात को अपने व्यवसाय या अपने किसी और कार्य के लिए निकलते हैं तो देख समझ कर निकले, क्योंकि अब से देर रात 10 बजे के बाद से कर्फ्यू दिल्ली में लग जाएगा, ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 माह बाद संक्रमण दर 5.54% पहुँच गई है, जो 125 दिन में सबसे अधिक है। इसके पहले पिछले 1 दिसंबर को संक्रमण दर 6.85% थी। अब एक बार फिर संक्रमण दर 5.5% के पार पहुँच गई। इस वजह से दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि रविवार को कम सैंपल की जांच होने के कारण सोमवार को 3,548 नए मामले आए। संक्रमण बढ़ने के कारण सक्रिय मरीजों की संख्या 14,500 से अधिक हो गई है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई है। इस वजह से पिछले 5 दिन में कोरोना के कारण 69 मरीजों की मौत हुई है। फिर भी बचाव के नियमों को लोग सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। बाजारों में अब भी लोग बगैर मास्क के देखे जा रहे हैं। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया आज रात से कर्फ्यू दिल्ली में लागू होगा। तो फिलहाल इतना ही, एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।